Hi guys, welcome to YouTube. तो जो आज की वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स. तो एक्चुअल में वर्चुअल बॉक्स है क्या हमारे पास? सो एक्चुअल में वर्चुअल बॉक्स हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी विंडोज़, अगर हमारे पास पहले से विंडोज़ है तो हम उस विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स, और वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू, लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम उससे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके थ्रू हम दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन्हें भी रन कर सकते हैं ईजीली. सो गाइस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको बनाना है अपने कंप्यूटर में आर्टिफिशियली जो कि वर्क करेगा वैसे ही जैसे ओरिजिनल वाला करता है, सो इसके लिए हमें चाहिए होता है वर्चुअल बॉक्स. सो वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल में और सर्च करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स को, और करेंगे हम फिर एंटर. सो हमारे पास फर्स्ट लिंक जो आ जाएगी ये आएगी virtualbox.org. मैंने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हुई हैं, और उसके ऊपर जो ब्लॉग है वो उसकी डिटेल्स वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सब मैंने वहाँ पे दे दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए. और अब जो है इस फर्स्ट लिंक में हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज आएगा. तो जो होम पेज है यहाँ पे हमें एडवांस जो वर्जन होगा वर्चुअल बॉक्स का लेटेस्ट वाला वो यहाँ पे हमें आएगा, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 5.1. और अगर आप कोई और वर्जन चेक करना चाहते हैं वर्चुअल बॉक्स का तो आप सिंपली जा सकते हैं डाउनलोड्स में और डाउनलोड्स में क्लिक कीजिए. और डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा एक डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स के ऊपर पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन. लेकिन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे ऊपर विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है या फिर OS 10 मतलब कि मैक जो आपके एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उनके लिए, और फिर लिनक्स के लिए अगर आपको वर्चुअल बॉक्स चाहिए या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जैसे कि सोलार्स. उसके बाद अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ में क्लिक कीजिए और विंडोज़ के लिए डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी. अगर आपके पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है OS 10 सो आप इसमें क्लिक कीजिए, उसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी. अगर लिनक्स के लिए करना चाहते हो तो लिनक्स में क्लिक कीजिए, और कुछ ही देर में जो है इसके लिए आपको यहाँ पे ओपन आ जाएगा. ये आपको ये कोड्स टाइप करने पड़ेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जो कि आपको मिलता है उबंटू में, वहाँ पे टाइप कीजिए इनको और आप इंस्टॉल कर लेंगे इजीली वर्चुअल बॉक्स. और सोलार्स के लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है इसे सो क्लिक कीजिए इसमें और कीप कीजिए फाइल को, और डाउनलोडिंग हो जाएगी. सो गाइस अभी मेरे पास जो है विंडोज़ है, तो विंडोज़ के लिए मैंने विंडोज़ में क्लिक किया और इसे डाउनलोड कर लिया. डाउनलोड करने के बाद जो है आपको ओपन करना है वो फोल्डर जहाँ पे आपने इसे जो है डाउनलोड किया है. सो मैंने किया यहाँ पे डाउनलोड, और ये वर्चुअल बॉक्स अब इसमें क्लिक करेंगे हम, और फिर जो है ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन आएगी रन करने के लिए, तो रन में क्लिक करेंगे अब हम. अब जो है इंस्टॉल होगा ये, तो कुछ टाइम लगेगा ये इंस्टॉल होने के लिए. लेट्स वेट फॉर इट. तो गाइस अब यहाँ पे प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है इंस्टॉलेशन की, सो अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद जो है वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन के लिए में. तो फर्स्ट चीज़ को जो है आपको सेलेक्ट करनी है, बाकी किसी चीज़ को सेलेक्ट मत कीजिए. वर्चुअल बॉक्स यूएसबी Thank you.
क्रिएट हो जाता है वर्चुअल बॉक्स का, उसके बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे इसमें और वर्चुअल बॉक्स जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस इन्हें इंस्टॉल करने के लिए हमें सेपरेटली जो है फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है उन ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना था कि किस तरह से हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो है वो है कि किस तरह से हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रीली डाउनलोड करते हैं। Thank you.